Major substantive contributions. As we are discussing Ibn Khaldun's major substantive contributions, his first major contribution regarding the development of the discipline of political sociology, uh, all uh, have the consensus that the theory of asbiya basically Arabic word hai meaning originally. स्पिरिट ऑफ़ किनशिप हैं यानी जब आप किसी एक ख़ास कबीले के साथ मुंसलिक हों किसी एक ख़ास नस्ल के साथ वाबस्था हों तो उससे आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ एफिलिएशन क्रिएट होती है आप समझते हैं कि आपका ग्रोह असल में आपकी पहचान है तो इपन खलदून की जो असबिया की फिलॉसफी है दैट इज़ हिज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द

बहुत सारी अहदीस के अंदर भी ये चूँकि इस बात का ज़िक्र है पहचान के हवाले से ज़िक्र मौजूद है हालांकि इसमें और बहुत सारे जो लिखने वाले हैं वो ये समझते हैं कि इस्लाम का जो अस्पिया का नज़रिया है वो मुख्तलिफ है और इब्ने खलद और जो ओरिजिनल इस्लामिक फ़िलासफ़ी है वहाँ पर कुछ अख्तिलाफ़ भी मौजूद हैं लेकिन क्योंकि इब्न खल्दून ने जिस तरीके से वजाहत की है अपने पूरे नज़रिए की तो उसकी रेलिवेंस या उसकी इम्पॉर्टेंस से हम इनकार नहीं कर सकते सो द टर्म बिकेम फेमस एज अ रिज़ल्ट ऑफ द यूज़ टू विच इट वॉज पुट बाई इब्न खलदून हु मेड दिस कॉन्सैप्ट बेसिस ऑफ हिज़ इंटरप्रटेशन ऑफ हिस्ट्री एंड हिज़ डॉक्ट्राइन ऑफ द स्टेट अब यहाँ इसी बात की वजाहत है कि इबन खलदून ने जो अस्पिया का नज़रिया बेसिकली पेश किया है वो मज़हब के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बल्कि उसका ये ख्याल है कि जैसे जैसे हम तारीख को स्टडी करते हैं जैसे जैसे हम देखते हैं कि रियासत कैसे वजूद में आती है तो उसमें जो सबसे पहले अगर लोग जिनका एक कबीला हो उनकी एक पहचान हो वो मिलकर कहीं पर बैठेंगे तो वो बुनियाद बनते चले जाएँगे और फिर वो मिलकर जैसे डेवलपमेंट करेंगे और जैसे आगे बढ़ेंगे वो बुनियादी तौर पर इबनि खलदून की फ़िलासफ़ी की स्पिरट है बिकॉज अकॉर्डिंग टू इबन द फ़ंडामेंटल बॉन्ड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज असबिया एंड द बेसिक मोटिव और दिस इज़ द बेसिक मोटिव और फोर्स ऑफ हिस्ट्री एज सच द टर्म हैज़ बीन ट्रांसलेटेड एज एसपिरट डी कॉर that is uh, actually the meaning that the nationalistic feeling of a specific group and it it is also even present in the modern time period debate nationalism so he is the inventor of the theory and it is a force which unites the people with one another and this leads to the creation of the state

को रिकगनाइज करते हैं एक दूसरे के रोल को रिकगनाइज करते हैं तो उस फीलिंग ऑफ वननेस की अहमियत के बारे में इब्ने खलदून ने अपनी फ़िलासफ़ी जो है वो दी है एंड द बेसिक फैक्टर ऑफ दिस अस्पिया फोर्स इज़ टू यूनाइट द पीपल टुगेदर इन अ टर्म ऑफ अ सोसाइटी और इन द टर्म ऑफ स्टेट अब ये बेसिक वननेस की फीलिंग जो है ये माशरे को भी कायम करती है और उसी के पैरल स्टेट की क्रिएशन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है उसका हमें नज़र आता है सो ही सेज़ द इमोशन ऑफ सिमिलैरिटी विच कीप द पीपल ऑफ अ ग्रुप यूनाइटेड टुगेदर हैविंग कॉमन इफेक्टिव एक्शंस जब लोग इकट्ठे होंगे इकट्ठी फीलिंग होगी तो उनके एक्शंस भी हमें एक तरह से नज़र आते हैं ही सेड म्यूचुअल रिलेशन इज़ ऑल्सो द बेस ऑफ द सोसाइटी विच इज़ ऑल्सो स्टेटेड एज द सोर्स ऑफ असबिया and solidarity is very important in state and society.